मैडम आपका नाम? मेरा नाम तृप्ति सिंह है। आप कहाँ से आए? मैं सर बहराइच जिले से आई हूँ, जिस जिले की मंत्री अनुपमा जायसवाल जी है माननीय, मैं उस जिले से आई हूँ। भाई साहब आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आई हैं? हमारी मांग इस समय सिर्फ समान कार्य समान वेतन है पहला, और दूसरा हमारे लिए एनसीटी का जो पैराचार है उसमें संशोधन करके हमें चीटी से छूट दी जाए, और हमारे लिए नया अध्यादेश जारी किया जाए। हमारी सिर्फ दो मांगे हैं, या नया अध्यादेश या फिर समान कार्य समान वेतन। ये अध्यादेश क्या है, क्या अध्यादेश की आप मांग कर रही हैं, कौन सा अध्यादेश है? अध्यादेश ये है कि जब हमारा चयन हुआ था, हमारा चयन 2010 से पहले हुआ था, और टीटी जो है वो जो 2010 के बाद लागू हुआ है, और हम सारी योग्यता रखते हुए फिर भी हमको पुनः हमको शिक्षा मित्र पद से सहायक अध्यापक के पद से समायोजन किया गया, और उसके बाद हमारा फिर से समायोजन पहले एक बार रद्द हुआ, हाई कोर्ट ने रद्द किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे करके हमें अपने पद पर बहाल कर दिया। उसके बाद फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इनका समायोजन फिर रद्द किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला रद्द करना था तो उसने किस बिहाफ पर स्टे दिया था? अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला गलत था तो वो क्या सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे दिया था, और अगर उसने स्टे दिया था तो फिर उसने क्या सोच करके हमारा समायोजन रद्द किया? उसने एक बार नहीं सोचा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो न्यायालय, एक बार नहीं सोचा कि 17 साल से हम उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो हम योग्य थे, तो हम पात्र थे। आज हम सहायक अध्यापक के पद पर पोस्ट किए जाने के बाद हम अयोग्य और अपात्र हो गए हैं। आखिर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चा, आखिर हमारा जब फिर से डिमोशन किया गया, हमको शिक्षा मित्र बनाया गया, 10,000 हमको सैलरी दी गई, तो फिर हम वही कार्य तो करेंगे, उसी स्कूल में वही कार्य करेंगे, तो उसी कार्य को करने के लिए हम सहायक अध्यापक की पोस्ट पर अयोग्य हैं और 10,000 सैलरी 10,000 का मानदेय पाकर हम योग्य हो जाएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय उच्च न्यायालय से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आखिर हमारी गलती क्या है? अगर हमारा समायोजन गलत है तो उसकी गलती, उसका दोषी कौन है? हम शिक्षा मित्र नहीं है, उसकी जिम्मेदारी या उसका खामियाजा हम अपनी जान देकर अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ करके हम नहीं करेंगे। सीधी सी बात, हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हम अपना मान सम्मान वापस लेकर ही जाएंगे, और या तो हमें भी सड़क पर या तो इच्छा मृत्यु प्रदान करें राष्ट्रपति जी, हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करें, हम यही 1,72,000 अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम बिना यहाँ से जो है अपने अध्यादेश लिए या अपने लिए मान सम्मान लिए, हम किस मुँह से आज हम उसी विद्यालय में जाएंगे जिस विद्यालय में हम प्रधान से भी तनकर बात करते थे, अपने हिसाब से मान सम्मान से काम कराते थे, और किस मुँह से हम जाएंगे? उसके बाद हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अनुपमा जायसवाल जी कहती है वेतन की रिकवरी करेंगे, वो क्या सोच कर कहती है कि वेतन हमारे ही जिले की है, मैं उन्हीं के जिले की मैं पढ़ाती हूँ, उन्हीं के जिले की टीचर हूँ, वो क्या सोच कर ये बात कही है कि रिकवरी करेंगी? वो लाएं हमारे 17 साल हमको वापस करें, हमारी जवानी, हम 17 साल की हमारी जिंदगी उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में हमने काटी है, तो आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। वो हमारी जिंदगी वापस करें, वो हमारी उम्र के 17 साल वापस करें, हम आराम से 2 महीने की सैलरी उनको वापस करने को तैयार हैं।